जिले में पंचायती जमीन पर खड़ी थी भ्रष्टाचार की फसल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जेसीबी व ट्रैक्टर चलाकर की नष्ट। आपको बता दें कि अक्सर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा कर अपने बाप की बापौती समझने की भूल कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला बाबल के बिशनपुर गांव में सामने आया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार रवि कुमार ने ग्राम सरपंच हरि सिंह की शिकायत पर आज करीब 155 एकड़ जमीन का कब्जा छुड़ाकर उसे मुक्त कराया है। शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत के सरपंच हरि सिंह ने बताया कि पंचायती भूमि पर गांव के ही शीश राम दीनाराम द्वारा कब्जा कर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने नायब तहसीलदार कार्यालय में की। उस पर आज विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 8 से 10 एकड़ भूमि दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई गई। दलबल सहित मौके पर पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार रवि कुमार, पंचायती अधिकारी, BDPO, कई अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण भी मौजूद थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार रवि कुमार ने बताया है कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। कुछ गांव के ही लोगों ने पंचायती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करो से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आज करीब 10 एकड़ भूमि दबंगों से मुक्त कराकर पंचायत को सौंप दी गई है। जिस बाजरे की खड़ी फसल पर JCB व ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया जा रहा है, यह पंचायती भूमि है और पिछले कई वर्षों से गांव का ही एक दबंग व्यक्ति इसे अपने बाप की बापौती समझकर लाभ ले रहा था, जिस पर आज कार्रवाई कर मुफ्त करा दिया गया है। आप देख रहे हैं रवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। रवि कुमार नायब तहसीलदार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट गांव बिशनपुर। क्या मामला था सर? ये पंचायती जमीन पे 8 से 10 एकड़ पे शीशराम पुत्र दीनाराम का कब्जा था, जो कि आदेश अनुसार आज पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये सारा आज हटवाया जा रहा है। कितनी ज़मीन थी सर टोटल? टोटल 8 से 10 एकड़ के आदेश हैं खाली करवाने के। अच्छा, मामला था क्या? अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ जी, मैं हरि सिंह, ग्राम पंचायत बिशनपुर स्थायी निवासी हूँ। और ये हमारा कुछ पंचायती मैटर था, पंचायत जमीन थी, इसमें कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे। भाईचारे ना तो लोग उसे खूब कहीं समझाए, नहीं माने, गांव परेशान हो गए, इसलिए हमने प्रशासन की सहायता लेके और ये कब्जा कार्रवाई करवाई। और इसमें प्रशासन का बड़ा सहयोग मिला, प्रशासन का बड़ा थैंक बोलते हैं, जो गांव का सहयोग इस झगड़े में मिटवा दिया। इसमें गांव को विधान से ज़्यादा भी हो सकता था, क्योंकि गांव में धन पूंजी ज़्यादा है और रास्ता रोक दिया गया और 35-40 किले बो दिए गए। तो इसके लिए प्रशासन की हेल्प लेके और ये कब्जा कार्रवाई छुटवाई। कितनी ज़मीन थी सर आपकी? ये लगभग वैसे तो 155 किला है जी, और लगभग 35-40 किला बोया हुआ है। कौन कौन अधिकारी को आपको इन्फॉर्मेशन करके बुलाया? इनमें साहब जी ड्यूटी में स्टेट नायब तहसीलदार रवि कुमार जी, और जी SHO साहब मास्टर जी, और पंचायत से SCPO धर्मपाल जी, सेक्रेटरी वो दलीप सिंह, गांव का लमड़दार होराव लमड़दार जी, और कुछ मनगन लोग गांव के और भी है।